ने और हमारे जो ऑपरेशंस रहे, जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूँ, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज़्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है, और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है। और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। 2014 के बाद सिविलियन डेथ्स में भी 89% की कमी आई है। और 6000 मिलिटेंट्स ने 2014 के बाद सरेंडर नॉर्थ ईस्ट में किया है। 2015 के बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने जो इंसिडेंट्स होते थे, जो घटनाएं होती थी LWE की, उसमें भी 265% की कमी आई है। ये तो मैं नॉर्थ ईस्ट की केवल बात कर रहा हूँ कि कितना बड़ा बदलाव, कितनी कमी वहाँ की घटनाओं में आई है, वायलेंस में आई है। और जो वहाँ पर पीस ट्रीटी साइन की गई, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। बोडो एकॉर्ड जनवरी 2020 में किया गया, ब्रूकरियांग एग्रीमेंट जनवरी 2020 में किया गया, और NLFT त्रिपुरा एग्रीमेंट, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, इसका एग्रीमेंट 2019 में किया गया, और कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट सितंबर 2021 में किया गया,
और असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट मार्च 2022 में किया गया। ये अपने आप में सारी पीस ट्रीटीज दिखाती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो पिछले 75 साल में कोई नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। घटनाएं भी कम हुई, सिविलियंस की मृत्यु भी कम हुई, इंसर्जेंसी की घटनाएं कम हुई, तो वहीं पे ट्रीटीज भी एक के बाद दूसरे राज्य में की गई, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में रोल बैक करने की बात की जाती थी उसमें भी बहुत बड़े कदम उठाए गए। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफ्सपा को हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया गया, अरुणाचल में केवल 3 जिलों में बचा है और असम को भी 60% से अधिक अफ्सपा मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के भी 15 पुलिस स्टेशन जो 6 जिलों में आते हैं उसको भी डिस्टर्ब एरिया की क्षेत्र से हटा दिया गया है, श्रेणी से हटा दिया गया है, और नागालैंड में भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन से 15 पुलिस स्टेशन को 7 जिलों में हटाया गया है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि जहां भारत में आतंकवाद नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पुलिस बलों ने किया है, वहीं पर कानून बनाने में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करना, और कुछ ऐसे देश जो आज बिलबिला रहे हैं उनकी बिलबिलाहट का, उनकी बौखलाहट का कारण यही है कि ये जो नीतियां भारत सरकार की हैं, जो कड़े कानून बनाना और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना, आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए साथ में जोड़ना, इंटरपोल की 90th कॉन्फ्रेंस यहां पर कराना, 2000 से ज्यादा लोगों को यहां पर लाना, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर सबको लाना, और तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में करवाकर नो मनी फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई धन नहीं, उस दिशा में भी लेकर जाना। ये अपने आप में भारत की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता कटिबद्धता यानी कि प्रण को दिखाता है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत स्वयं बल्कि दुनिया भर के देशों को भी एकजुट कर रहा है। अब मैं कुछ बातें आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी जरूर करना चाहूंगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस एक नहीं अनेक किए गए और ये तब हो पाया जब मोदी सरकार ने हर भारतीय की जान को महत्वपूर्ण समझा है। हमारे लिए प्रत्येक भारतीय का जीवन अहम है और वैश्विक बचाव अभियान हमने लगातार दुनिया भर में चलाया। ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात करूं तो 2021-22 में आपने देखा होगा कि दुनिया भर में भारत ने अपने यूक्रेन में जो युद्ध के समय भारत के नागरिक विशेष तौर पर विद्यार्थी फंस गए थे उनको लाने का काम भी वापस किया। 22,500 भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत 2022 में 1 फरवरी से लेकर मार्च महीने के बीच में निकाल कर लाया गया। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लगभग 670 भारतीयों को बचाकर वापस लाया गया। 2020-21 के बीच में 1,83,00,000 पैसेंजर्स को वापस भारत वापस लाया गया। ये आज तक की सबसे बड़ी कोविड के टाइम पर ये ड्राइव की गई जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लाया गया। वुहान एवैक्यूएशन जो चाइना से लगभग 645 पैसेंजर्स को लाया गया उसमें से 654 पैसेंजर्स को लाया गया जिसमें 647 भारतीय थे। इसी तरह से ही 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन
साउथ सूडान से 153 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया और 2 नेपालीज को भी। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल से 5,000 इंडियंस को, भारतीयों को वापस लाया गया और 170 फॉरेन नेशनल्स को, US, UK, रशिया, जर्मनी, इन सब को नेपाल में जब भूकंप आया था तब वहां से निकालने का काम भारत ने किया। इराक और लीबिया से 7,000 भारतीयों को वापस लाया गया, इराक और लीबिया से। और ये 7,000 जो इराक से थे और 3,600 लीबिया से भारत में वापस लाए गए। ऑपरेशन राहत में यमन से 6,710 लोगों को वापस लाया गया, जिसमें से 1,962 विदेशी भी थे। तो भारत ने हिंदुस्तान के लोगों की जान तो बचाई, भारतीय नागरिकों को युद्ध की भूमि से आपदा के समय भी और आतंक के उस घटनाओं के बीच में से भी वापस लाने का काम किया। तो भारत ने दुनिया भर में जो एक पहचान बनाई कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, कड़ी नीतियां बनाई और आपदा के समय, युद्ध के समय, आतंकवाद के समय भी भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस लाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों की जान बचाने का काम भी किया। तो भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के रूप में बनी है। तो वहीं कुछ पड़ोसी देशों की आतंकवाद को बढ़ावा देने की बनी है और ये दिखता है वो पड़ोसी ना केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि उसके लिए जोर जोर से बोलते भी हैं। उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत नया भारत, सशक्त भारत बना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर वाज इन नॉर्थ ईस्ट एंड ही यूज्ड फुटबॉल टर्मिनोलॉजी एंड स्टेटेड दैट हूएवर हैज स्टॉप्ड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट दे हैव शोन अ रेड कार्ड टू देयर कांग्रेस हैज रिएक्टेड टू इट एंड सेड दैट इट्स जुमलेबाजी। प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग नॉट स्पीकिंग इन रियल अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक कड़ा प्रहार किया और साथ ही यह बताया कि आखिर मोदी सरकार के लिए भारत जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। विदेशों में फंसे भारतीयों पर लगातार हमारी नजर है। तो आतंकवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है। पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। करते रहे और कहीं ना कहीं 50-50 सालों में भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए जो मोदी सरकार ने 50 साल पुराने प्रोजेक्ट्स को भी पूरा किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है, रोड, रेल, एयरपोर्ट और वाटरवेज, ये सारा मोदी सरकार की देन है। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद की घटनाओं को, नक्सलवाद की घटनाओं को कम करना भी और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। ठाकुर कहते हुए नजर आए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में 188% की कमी आ चुकी है। टेरर फंडिंग की बात करें तो 94% कन्विक्शन रेट रहा है। भारत सरकार की नीतियों ने आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ कर रख दी है। साइबर क्राइम भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनी है, उसके खिलाफ भी मोदी सरकार ने बहुत शानदार काम किया है और आगे भी लगातार करते रहेंगे। जहां तक कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके रेडिकलाइजेशन करने का काम किया गया, और भारत में तो एक संगठन ऐसा भी है जिसने समाज कल्याण की बात करने की प्लेटफॉर्म की बात करके रेडिकलाइजेशन पर जोर दिया, तो उस पर प्रतिबंध लगाने में भी मोदी सरकार पीछे नहीं हटी। वो कड़ी कार्रवाई हमने उनके खिलाफ की, उनके लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो जो भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार में हुई, जो रेडिकलाइजेशन करने का प्रयास करता है उसके, उनको बैन करने का काम भी किया, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं आएगी और तेजी ही आएगी।
पड़ोसी देश पर भी प्रहार करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। उन्होंने कहा पड़ोसी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंक को पनाह देने वालों का चेहरा आखिरकार बेनकाब हुआ है। दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। विस्तार में इस पर अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं, देखिए कैसे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं दी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को मजबूत किया। तो कांग्रेस पर भी वार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर डोकलाम के वक्त पर उनका स्टैंड क्या था। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो 3 महीनों में 70 से ज्यादा लोगों की वहां पर हत्याएं हो गई, गैंग वॉर चलनी शुरू हो गई, मशहूर गायक की हत्या कर दी गई, फिरौती के काम शुरू हो गए और सीमा पार से कुछ घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास भी हुए। और जिस तरह से खालिस्तान के बाद वापस सुनने को मिली है, मेरा तो इतना ही रहेगा कि बॉर्डर स्टेट है, कमजोर सरकार से काम नहीं चल सकता। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की है, उसी तरह की कार्रवाई पंजाब में भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को फिर पनपने नहीं देना चाहिए। तो अनुराग ठाकुर सीधे सवाल करते हुए नजर आए कांग्रेस से कि आखिर डोकलाम के वक्त पर उनका स्टैंड क्या था, साथ ही पड़ोसी देशों पर निशाना साधते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, एक आश्वासन देते हुए नजर आए कि हमारे सभी बॉर्डर सुरक्षित हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, जिसने दुनिया में भारत की नई पहचान बनाई। चाहे योग हो, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए, दुनिया के 2 देशों में युद्ध चल रहा हो तो शांति की बात कर कि ये युद्ध का समय नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को बताया कि कहां पर चलना है, क्या आगे का रास्ता है और दुनिया ने उसको सराहा है। आज वैश्विक महामारी के समय 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करके और दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों को मदद पहुंचाकर भारत ने एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान हर क्षेत्र में बन रही है और यही तो नए भारत की, सशक्त भारत की पहचान मोदी जी के नेतृत्व में बनी। तो नए भारत की, सशक्त भारत की यही तस्वीर है। आतंक के खिलाफ सरकार की नीतियां बेहद कड़ी हैं। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवादी समर्थकों के घरों में जाकर रहते हैं, कई कई घंटे और रातें बिताते हैं, जो भारत के जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो अपनी सलाह अपने पास ही रखे। धन्यवाद। तो सीधा संदेश चीन के लिए तल्ख तेवर में अनुराग ठाकुर की तरफ से कि 1962 का नहीं, 2022 का ये भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
दिल्ली में अनुराग ठाकुर की तरफ से सुबह सवेरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार करने की कोशिश की गई, जिसमें यह बताया गया कि देखिए मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जम्मू कश्मीर की बात करें जहां पर एक समय में आतंकवादी पलते थे, पाले और पोसे जाते थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब वहां पर कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं बेहद कम हुई हैं और पीएम मोदी के संकल्प से आतंकवाद को हम जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।